सो गाइस इस चीज़ को आप लोग यार चेकआउट करो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस किले के अंदर गाइस, इस चीज़ को घूमने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? सब आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने लाइफ में मस्त होंगे। सो वेलकम है आपके अपने चैनल अहमद 09 पे। सो गाइस रोज की तरह आज भी आप सभी लोग का दिल थाम के वेलकम है आपके अपने चैनल अहमद 09 पे। रोज की तरह एक और न्यू ब्लॉग के साथ आपका भाई फिर से आ चुका गाइस, एक बहुत ही अच्छे व्यू के साथ गाइस, बहुत ही अच्छे लोकेशन के साथ, जिसका नाम है होस्ट कास्ट किला। नाम जरूर सुना होगा गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों ने होस्ट कास्ट किला का नाम जरूर सुना होगा। सो आज आपका भाई उसी जगह पे आ चुका गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ से एंट्री का गेट है। सबसे पहले आप लेंगे टिकट यहाँ पे मिलता है गाइस, टिकट लेने के बाद आप जाएंगे अंदर, एंड अंदर बता दूंगा गाइस आप लोगों को पूरी इसकी जो भी कहानी है, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, जो भी इसकी पूरी कहानियाँ है सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस होस्ट कास्ट किले के बारे में। सो लेट्स गो, सबसे पहले लेते हैं। फाइनली गाइस मैंने अंदर तो एंट्री कर चुका गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं एंट्री करने के लिए आप लोगों को एक और मुश्किल होती है, मतलब अगर आप लोगों के पास फोन पे नहीं है ना गाइस तो आप लोगों को परेशान ही कर देंगे सब, यानी आपको फोन पे से स्कैन करना पड़ेगा फिर आप लोग अंदर एंट्री करोगे। इसका टिकट है गाइस 20 रुपये, यानी बस 20 रुपये का टिकट में आप लोग अंदर आ सकते हो, इस मोस्ट खास्ट किले के अंदर आ सकते हो गाइस। यहाँ पे आप लोगों को गुम्बद दिख रहे होंगे गाइस, बहुत सारे गुम्बद जैसे ही दिखते रहते गाइस, इसको मैं बता दूं आप लोग यहाँ के मतलब अगल बगल के जो लोग होते हैं इनको इस जगह को गुम्बद भी बोलते हैं गाइस, गुम्बद के नाम से भी ज़्यादा फेमस है ये जगह, एंड बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को व्यू गाइस, क्योंकि इतना प्यारा प्यारे गुम्बद है गाइस। यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, एंड बहुत ही बेस्ट जगह है गाइस बोल सकते हैं, मतलब घूमने के लिए एंड आने के लिए सुकून के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, एंड यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है काफ़ी अच्छे से गाइस। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे बहुत सारे मूवियों का शूटिंग भी हुआ है, एंड बहुत सारे मूवी और सॉन्गों का शूटिंग भी हुआ है, वो भी सब आप लोग को अच्छे से कैप्चर करके दिखाएंगे गाइस। तो लेट्स गो, सबसे पहले इसके ऊपर आते गाइस, यहाँ से आप लोग ये जगह आप लोग देख सकते हो, इसको बोलते हैं हिल, जो मैंने इससे भी पहले एक और ब्लॉग में बनाया था, इसके बगल में एक गार्डन है उसका मैंने एक पार्क था उसका मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उसी पार्क के अंदर ऐसा सीन था, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था गाइस। यहाँ पे जब दिल्ली में बहुत सालों पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ पानी की कमी होती थी, इसके लिए हिल बनाया गया था लोगों को पानी पीने के लिए, तो अभी भी ये हिल ऐसे ही बचा हुआ है जो आप लोग के सामने गाइस जो आप लोग देख सकते हो, इसको हिल बोलते हैं, इसकी पानी के कलर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है गाइस, एंड यहाँ पे आप लोग इस गुम्बद को देख सकते हो, इस कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है गाइस, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को मैं कैप्चर करके दिखाता हूँ गाइस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस बैठने के लिए काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, जो आके लोग यहाँ पे रेस्ट भी करते हैं, एंड कपल्स भी आके बैठते हैं गाइस। मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे आने वाले बहुत सारे मतलब अलग कंट्री के लोग भी आते हैं घूमने के लिए गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को मेरे सामने आप लोग देख सकते हो अंकल शायद अदर कंट्री की, मतलब अदर कंट्री की बहुत सारी पब्लिक आती है इस जगह को घूमने के लिए गाइस। मैं आपको बता दूँ इस जो किला है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इतना ही नहीं है, एंड आगे एक मदरसा भी है, मस्जिद भी है गाइस, और बताया जाता है कि इसमें 2 कब्र भी है, तो ऐसा बताया जाता है, और आगे जो कुछ बहुत ही बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। बस मैं यहाँ पे खड़ा होकर आप लोगों को एरिया चेकआउट करा रहा हूँ गाइस, एंड आगे भी लेके चलूँगा आप लोगों को, सब कुछ दिखाऊंगा जितना मुझसे होता है A to Z, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, एंड आगे की आप लोग पब्लिक देख सकते हो गाइस बहुत ही बड़ा है, इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बता दूंगा इसको बनाया था अलाउद्दीन आप लोग जानते होंगे, जो एक काफ़ी बड़े शहनशाह थे, उन्होंने बनवाया था, उनका नाम था अलाउद्दीन, आगे का नाम मेरे को नहीं पता, मतलब शॉर्टकट में उनको अलाउद्दीन ही बोलते हैं, आगे का नाम कुछ उनके आगे का भी कुछ नाम था लेकिन उनको अलाउद्दीन ही बोलते हैं। उन्होंने इस पूरे किले का निर्माण किया था गाइस, उन्होंने ही बनवाया था इस पूरे किले को, आज बहुत ही ज़्यादा आज भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग आते हैं घूमते हैं मस्तियाँ करते हैं बैठते, काफ़ी सुकून मिलता है गाइस। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का एक सॉन्ग भी शूटिंग हुआ था, वो भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, एंड इमरान हाशमी का भी सॉन्ग यहाँ पे शूटिंग हुआ था गाइस, यानी बहुत सारे मूवियों का शूटिंग सॉन्ग का शूटिंग होता रहता है, इतना बेस्ट जगह है गाइस, कितना बेस्ट, एंड इसको किला मतलब किल पूरा बोल सकते गाइस, क्योंकि इसको घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। तो लेट्स गो आगे लेके चलता हूँ, और जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो आप सभी लोग को कैप्चर करके दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो गाइस 3 गुम्बद वाली पूरे बोल सकते हो किला गाइस, यहाँ पे 3 गुम्बद है गाइस। आप लोग सोचेंगे कि कैमरा कहाँ पे गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ मेरे यहाँ पे जो सनग्लास था गाइस उससे मैंने कैमरे को अटैच किया है जमीन से गाइस, क्योंकि मेरे साथ कोई आया नहीं था शूट के लिए, इसलिए मैंने अटैच किया था गाइस, इसलिए आप लोग को कुछ शॉटें दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ मैं आप लोग को स्लोमो दिखाता हूँ गाइस अच्छे से। गाइस स्लोमो हुआ कंप्लीट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस सनग्लास पे मैंने कैमरे को रोका था कैसे भी कैसे, देख सकते हो आप लोग। तो लेट्स गो आगे लेके चलते हैं आप लोग को, आगे जो कुछ होता है आप लोग को पूरा कैप्चर करके दिखाते हैं। सो फाइनली यहाँ पे आप लोग यहाँ से चेकआउट करो, यहाँ से आप लोग को बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा लग रहा होगा गाइस। मैं आप लोग को बता दूँ ये मदरसा जहाँ पे लोग
मतलब पहले के लोग, मतलब पहले के बच्चे पढ़ते थे, यही मदरसा है गाइस। यहाँ पे हॉस्टल भी है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। जो गाइस जो मस्जिद, जो पहले जो मस्जिद जो था ना गाइस, वही जगह है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। आपको यहाँ से ये मस्जिद था गाइस, मैं आप लोग को लास्ट में चल के थोड़ा और क्लोज से दिखाऊंगा। ये मस्जिद था एंड यहाँ पे है मदरसा, मतलब मदरसा जो पहले था वो अभी भी, मतलब उसका नाम वही है गाइस। एंड आगे यहाँ पे यहाँ देख सकते हो हिल है। सो लेट्स गो, आगे भी लेके चलते और आगे करीब से चल के सब कुछ दिखाते। सो फाइनली गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट करो इस किले को, कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है गाइस। तो अभी जानी है बारी है अंदर जाने की। अंदर अंदर तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है गाइस, लेकिन फिर भी आपका भाई जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आवाज़ भी डबल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड काफ़ी प्यारा मुझे लग रहा है। सो यहाँ से आप लोग चेकआउट करो गाइस, यहाँ से बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लग रहा होगा आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों को बता दूंगा गाइस, ऐसा कुछ सीन है जो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी प्यारा आप लोगों को लग रहा होगा गाइस। इसी रास्ते पे गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, जो जहाँ से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ गाइस, यहीं पे सुशांत सिंह राजपूत का, क्या बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत सर का एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग का शूटिंग हुआ था गाइस इसी लाइनिंग से। आप लोगों ने देखा जरूर होगा, मैं भी यहाँ पे अगर मेरे को फोटो मिलेगा तो मैं एडिट में ऐड कर दूंगा गाइस। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा गाइस, आगे पूरा मदरसा है गाइस, जो था पहले आज भी वही है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हरा भरा ये चीज़ है गाइस, एंड काफ़ी अलग सा भी फील होता है, काफ़ी डरावना भी लगता है क्योंकि बहुत पहले का है। एंड यहाँ पे पब्लिक भी बहुत कम है गाइस, बोल सकते बहुत ज़्यादा कम। तो लेस को थोड़ा और आगे लेके चलते, फिर मिलते हैं। आगे का आप लोग सीन चेकआउट करो गाइस, इससे हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाहर के सीन, मतलब उस साइड थोड़ा सा चलेंगे। कितना ज़्यादा मतलब ओल्ड, कितना पुराना है गाइस, आप लोग खुद ही चेकआउट करके बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस कितना साल पुराना है होगा, एंड बहुत ही ज़्यादा पुराना है। एंड ऐसे आप लोग चेकआउट करो, व्यू तो काफ़ी अच्छा है, व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा होगा गाइस। इसके बारे में और भी नॉलेज है, यहाँ पे पढ़ लो गाइस आप लोग अच्छे से, एंड इसको देख सकते हो पूरे अच्छे से, इसका जो भी कहानी है ऐसा ही है। एंड आगे भी लेके चलेंगे, यहाँ पे मेरे को इंडिया से ज़्यादा अदर कंट्री की पब्लिक दिख रही है गाइस, तो लेट्स गो आगे लेके चलता हूँ। सो गाइस ऐसा कुछ रास्ते है जाने के लिए आगे, एंड यहाँ पे मेरे को अदर कंट्री की पब्लिक बहुत ज़्यादा दिख रही है, और जो इंडिया की जो पब्लिक है सारे सारे कपल्स लेके आए हुए हैं यार, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे कपल्स लोग आए हुए हैं, और आगे का सीन आप लोग ऐसा कुछ चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। इसमें आप लोगों को बता दूँ, जो आज से जो पहले जो मदरसा था गाइस, यही मदरसा था। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे अभी ये थोड़ा बहुत टूट गया है गाइस, लेकिन जो बोले तो इमरान हाशमी का जो सॉन्ग था गाइस, यहीं पे शूटिंग हुआ था एक सॉन्ग का, इसी यही वो जगह है। मैं आप लोगों को बता दूँ, हाँ यही है, सेम यही है, लेकिन अभी थोड़ा इस टाइम पे लगता है थोड़ा सा टूट गया है, तो उतना मतलब पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यही जगह था गाइस जहाँ पे इमरान हाशमी का सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। एंड यहाँ से व्यू काफ़ी प्यारा काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, इसे यहाँ से आप लोग चेकआउट करो, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इसे यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो। एंड अंदर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा अलग सा फील हो रहा है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ उस साइड से। तो अभी बारी आ चुकी है अंदर जाने की गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यही वो मदरसा था गाइस। अभी भी यहाँ पे लगता है ब्रेन चेंज बनाया गया है, यहाँ पे अदर कंट्री की पब्लिक आप लोग देख ही सकते हो, भर भर के पब्लिक है गाइस, इंडिया से ज़्यादा अदर कंट्री की पब्लिक आके भरी हुई है। एंड अभी का भी सीन ऐसा ही है गाइस, सेम बोल सकते, क्योंकि यहाँ से हिल पूरा अच्छे से दिख रहा है। एंड वो गार्डन है गाइस, जो मैंने पिछला ब्लॉग दिखाया था वही पार्क है, पार्क का नाम तो भूल गया, ब्लॉग बनाने के बाद भूल जाता हूँ। एंड अंदर भी लेके चलता हूँ आप लोगों को, और सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ यार अंदर, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा लेके चलता हूँ आप लोगों को। एंड आप लोग चेकआउट करोगे इस सीन को, एंड यहाँ पे इतना ही है बस, देख सकते हो आप लोग। तो इधर अभी हम लोग को जाना पड़ेगा गाइस, तो यहाँ से बहुत ही अलग अलग सा रोड है यार, ये पूरे गेट है गाइस, वहाँ की कसम ही आप लोग चेकआउट करो यार, क्या जगह है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इस साइड, यहाँ से आप लोग चेकआउट करो कैसा लग रहा है। एंड यहाँ से भी ऐसा सेम है, यहाँ पे कपल्स उपल ज़्यादा आके बैठ रहे हैं गाइस, तो अंदर तो जाने भर का हिम्मत है नहीं क्योंकि पब्लिक भी नहीं है उतना ज़्यादा, एंड अंधेरा अंधेरा सा पूरा है। अभी चलते हैं आप लोग को लेके उस साइड गाइस, यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऐसे से बनाया गया है गाइस, बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया था बनाने वालों ने गाइस, अभी भी लोग आके देखते हैं। एंड इंडिया के लोग देखते हैं देखते हैं, लेकिन अदर कंट्री की पब्लिक आके इस चीज़ को देखती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउड भी होता है कि इंडिया अपने बहुत कुछ चीज़ें हैं जो लोग अदर कंट्री की आती है पब्लिक देखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस ब्लॉग जब मैं बनाता हूँ तो। एंड आगे का आप लोग सीन चेकआउट करो, और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, तो लेके चलता हूँ आप लोग उस साइड, वहाँ से चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो गाइस, ऐसा कुछ है, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे के साइड गाइस, यहाँ पे भी बनाया गया जो मैंने आप लोग को दूर से दिखाया था, यहाँ पे आप लोग पास से भी देख लो, इससे पास तो दिखा भी नहीं सकता। एंड आगे थोड़ा सा और लेके चलता हूँ सीधे, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गया हूँ। एंड वहाँ का एरिया थोड़ा सा आप लोग को सीन कराना, मतलब भूल ही गया था, वो आगे का एरिया थोड़ा सा आप लोग को चेकआउट कराता हूँ, एंड आगे चलेंगे और आगे का भी देखेंगे क्या क्या और यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है।
सो गाइस इस चीज़ को आप लोग यार चेकआउट करो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस किले के अंदर गाइस। इस चीज़ को घूमने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ही अच्छे इन्जॉय करते गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी प्यारा लग रहा होगा गाइस। एंड आगे आप लोग देख सकते हो पूरा गुम्बद ही गुम्बद है। एंड ये भी चीज़ काफ़ी मेरे को अच्छा एंड काफ़ी बेस्ट लगा गाइस। तो लेट्स गो, चलते थोड़ा सा और आगे गाइस। एंड मैं भी पूरा पसीने से भीग गया हूँ और कुछ देखने को मिलता दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस मैंने लगभग मैं एक घंटे में पूरा एरिया कवर कर लिया एंड आप लोग को सब कुछ दिखा भी दिया और मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताया लगभग एक घंटे गाइस। तो काफ़ी ब्लॉग लंबा हो गया होगा, ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ब्लॉग काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो फिर भी यार लाइक कर देना क्योंकि इतना मेहनत लगा है, घर से आया हो यहाँ तक यार, तो लाइक तो बनता है यार, लाइक जरूर करना गाइस। एंड इस वाले ब्लॉग को इतना रखते हैं और ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ब्लॉग एंड पूरी जानकारी भी आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।